हमारे इस पूरे जीवन की जो दौड़ है वो है आनंद और खुशी, जो इस पूरे संसार की चाहत है, चाहे वो किसी भी माध्यम से हो। लेकिन जिंदगी की कश्मकश में हमें पता ही नहीं चला कि हम कहाँ खो गए। आप अपनी जिंदगी में जो भी कुछ करना चाहते हैं उसका मूल कारण है आनंद और खुशी। लेकिन मनुष्य के इतिहास में जितनी खोज बाहर से आनंद को खोजने में हुई है वह कभी भी नहीं हुई, क्योंकि मनुष्य अपना अस्तित्व ही भूल चुका है और हमारी पूरी लाइफ दुख, चिंता, डर और निराशा में ही निकल गई और हम इस संसार को छोड़ के भी चले जाते हैं बिना परम शांति और आनंद के। जब इस दुनिया को छोड़ने का वक्त होता है उस वक्त हमें समझ आता है कि जो जीवन का असली आनंद था, जो अंदर का बीज था, वो यूं ही सूना का सूना रह गया। और हम अपनी पूरी लाइफ में क्या करते हैं खुद के साथ? हम खुद को दुख देते हैं, दूसरों के दुख का कारण बनते हैं। आपकी चिंता, आपका डर, आपकी निराशा, क्या यही जीवन है? अभी और इसी वक्त पूछो जरा खुद से। आपके मन की सबसे बड़ी कमजोरी है आपका अहंकार, जो आपको असली आनंद तक जाने ही नहीं देता। आपका मैं इतना मजबूत है कि वो झुकना ही नहीं चाहता, चाहे उसे दांव पर अपनी जिंदगी और अपने रिश्ते ही क्यों ना लगाने पड़े। मैं कभी आपको जीने नहीं देगा, अहंकार कभी परम आनंद होने नहीं देगा। हमारा मन दुख का इतना खोजी है कि वो दुख खोज ही लेगा, उसे हमने ऐसा बनाया है। हमारी पूरी चेतना हमारे दुख, चिंता, निराशा में ही खो जाती है। जब तक आप बाहर से आनंद की खोज करोगे, आपका आनंद और खुशी दोनों ही झूठे हैं। अपनी चेतना को बिल्कुल भी मत तड़पाओ, उसको उसका असली आनंद दो। उसका असली आनंद है प्रेम, वो प्रेम चाहता है। तुम बस प्रेम बन जाओ, छोड़ दो नफरत, जलन, गुस्सा, हिंसा। अपने जीवन के छोटे छोटे आनंद को खोजो। चले जाओ रात को छत पे, देखो जगमगाते हुए तारों को, देखो उन फूल की कलियों को जो कल फूल के द्वारा आनंद बिखेरेंगी। देखो लहराते हुए पेड़ों की ओर और उनके असली आनंद को। तुम बस डूब जाओ उनमें कि तुम ना बचो। रात को सोने से पहले सोचो कि तुम मर चुके हो, फिर कहाँ है नफरत, कहाँ है गुस्सा, कहाँ है जलन, खोजो उसको। जीवन को तलाशना तुम्हारा काम है, इसमें जितना डूबोगे यह उतना आनंद देता है। मैंने पहले भी कहा था और आज भी कहना चाहता हूँ कि मैं जो कुछ भी बोलता हूँ वह अपनी लाइफ से लेके बोलता हूँ। सन 2015 की वो रात मुझे आज भी याद है कि जब मैं अपने छत पे लेटा हुआ था और मेरी नज़र उन जगमगाते तारों और जगमगाते हुए चांद पर पड़ी और मुझे याद है वो खुला आसमान, मैं बस उसे देख रहा था और उस वक्त मैं जो शांति महसूस कर रहा था आनंद की, वह अद्भुत थी। बस मेरे चित्त में यही सवाल था कि मैं कौन हूँ और क्यों हूँ। वहीं से मेरे जीवन में आनंद की कोई कली खिली। अभी वह कली बस फूल होना चाहती है और मेरा अभ्यास जारी है।